फ्रेंड, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। क्योंकि आज का हमारा वीडियो एक नॉलेजफुल होने वाला है। आज मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जितने सब्सक्राइबर हैं आप लोग जानते होंगे कि हमारे चैनल में स्टील से जुड़ी जानकारियाँ अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलेगा। आज एक नॉलेजेबल वीडियो आपको आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस तरह का वीडियो सिर्फ हमारे चैनल में अवेलेबल है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के कई कई लोगों के घरों में स्टील की रेलिंग लगाई जाती है। आपने गौर किया होगा, कई लोगों के घर में स्टील की रेलिंग लगी हुई होती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, या स्टील का रेलिंग जो आपका पाइप है वो क्या 16 गेज है या 18 गेज है, या कितनी गेज की है, उसकी मोटाई कितनी है? क्या आपने ये कभी जानकारी ली है? अगर कई लोगों ने जानकारी ली भी है तो आपने नोटिस नहीं किया। आपको हमेशा मिस्त्री 16 गेज या 18 गेज ही बताते हैं। क्यों ऐसा आपने कभी सोचा है? यहाँ पे एक पॉइंट की बात है, आप जहाँ भी पूछेंगे, कोई भी मिस्त्री से पूछेंगे, 16 गेज या 18 गेज का सजेस्ट देगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो इसी बात को मैं आज पूरी तरह से क्लियर करूँगा कि आप कई ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, लेकिन पार्टी को यानी लगाने वाले को अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी के टाइम में कोई भी मिस्त्री आपको सही सजेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अपना फ़ायदा देखता है। तो मैं आज इसी पे आज वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ताकि सब आज के दौर में सब एक्टिव हो जाए। और हमारा भारत जब आगे जा रहा है तो सब आगे जाना चाहिए। तो चलिए, तो आपका इसमें मेन पॉइंट की बात करूँ तो क्या है, तो मैं स्टील का एक अच्छा काम करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पूरा नॉलेज है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, स्टील की जो वेल्डिंग होती है वो टिग वेल्डिंग होती है। स्टील में आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको टिग वेल्डिंग स्टील का स्पेशलिस्ट वेल्डिंग होता है। लेकिन रेलिंग का जो काम होता है वो आपको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यानी आर्क वेल्डिंग से किया जाता है। जबकि आर्क वेल्डिंग स्टील के लिए सही नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ मोटा गेज के ही पाइप में वेल्डिंग कर सकते हैं, हल्का पाइप में वेल्डिंग नहीं कर सकते। इसी कारण से आपको 18 गेज या 16 गेज का सजेस्ट देते हैं, क्योंकि आप वो बना नहीं पाएगा इलेक्ट्रिक से यानी आर्क वेल्डिंग से। तो मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि आप हल्का पाइप का रेलिंग कराएं और आर्गन वेल्डिंग से वेल्डिंग कराएं, यानी टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल करने बोले अगला मिस्त्री को। आपका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन वो जो वेल्डिंग होगा आपका काफ़ी मजबूत होगा। और ताकि आपका, और मजबूती की बात करें तो मजबूती में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि मैं इसके बारे अच्छे से स्टडी किया हूँ। आप 16 गेज का 18 गेज का आप रेलिंग बना लेते हैं, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप हल्का पाइप का भी अगर टिग वेल्डिंग से आप अगर बनाते हैं तो आपका कम कॉस्ट में रेलिंग तैयार हो जाता है और मजबूती में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मैं खुद पर्सनल गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कई काम मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, और कई सालों तक चल रही है और अच्छा कम कॉस्ट में ये हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो और मैं बनाऊँ। तो अगर वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएँ।